हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के शैक्षिक दर्शन के बारे में सूक्ष्म सा देखेंगे, शॉर्ट इन शॉर्ट, थोड़ा सा छोटा सा, कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में क्या कहा है, किन बातों पर प्रधानता दी है, किन बातों पर बल दिया है और उनके शैक्षिक उद्देश्य में क्या क्या निहित है। तो टैगोर जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने विश्व शांति निकेतन की स्थापना की और वो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत की तरफ से वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो बहुत अच्छी बातें हैं अगर हम आज तक उन पर गौर नहीं कर पाए, और जबकि वो 100 साल से पहले से उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था, लेकिन हम आज तक उसको अपना नहीं पाए। निश्चित रूप से अगर हम उसको अपना लेते तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती जैसी आज है। क्या कह रहे हैं वो कि टैगोर्स आइडियाज फॉर क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन एम्ड एट प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड क्रिएटिंग ग्लोबल सिटीजन्स। देखिए, उस वक्त इतने पहले वो बात करते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोशन मिले, जिससे यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात उस समय वो कर रहे हैं। एंड क्रिएटिंग ग्लोबल सिटीजन्स, आज हम लोग को लगता है कि अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल सिटीजन्स हमको तैयार करने, तो हमने बहुत कुछ नई बात कर दी। लेकिन ये बात वो उस समय वैसा विजन रखने वाले इंसान थे, विद्वान थे। ग्लोबल सिटीजन्स मतलब वो उस वक्त ये बात कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जो ऐसे स्टूडेंट्स बनाए जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हों, यानी कि वैश्विक रूप से वो स्वीकारे हों जहां भी जाएं, है ना। और क्या कह रहे हैं, टैगोर इनविजन्ड एन एजुकेशन दैट वाज डीपली रूटेड इन वंस इमीडिएट सराउंडिंग्स बट कनेक्टेड टू द कल्चर्स ऑफ द वाइडर वर्ल्ड। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार का उसका विजन होना चाहिए कि इंसान या व्यक्ति या छात्र जो है वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स में भी डीपली रूटेड हो, यानी कि वो अपनी जड़ों को न छोड़े जहाँ का वो व्यक्ति है, जो उसका समुदाय है, जो उसका पर्यावरण है, बल्कि इसके साथ ही साथ क्या है कि वो बाहरी संसार के कल्चर से भी कनेक्टेड रहे, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का बैलेंस चाहिए। ठीक, कितनी बड़ी बात है। हम लोग जैसे ही मॉडर्न होते हैं ट्रेडिशनल नहीं रह जाते, या तो ट्रेडिशनल होते हैं या मॉडर्न होते हैं, बीच का बैलेंस नहीं आता है हमको, है ना। प्रेडिकेटेड अपॉन प्लेजरेबल लर्निंग एंड इंडिविजुअलाइज्ड टू द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, जिससे कि जो लर्निंग हो, जो अधिगम हो, वो प्लेजरेबल हो, मधुर हो, खुशमय हो आपके लिए, और जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं छात्र को वो इंडिविजुअलाइज्ड हो, यानी कि छात्र के हिसाब से इंडिविजुअल। हर छात्र एक इंडिविजुअल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ने कह दिया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है, छात्र के पेस से पढ़ाना है। छात्र अगर अपने पेस से पढ़ेगा, पेस का मतलब गति, अपनी गति से पढ़ेगा, अपने जो उसका तेज पढ़ना चाहता है, वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, जल्दी जल्दी पढ़ लेगा। अगर स्लो लर्नर है, धीरे धीरे समझ में आएगा उसको। तो इंडिविजुअलाइज्ड अगर होगा इंस्ट्रक्शन उसके लिए, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर तरीके से बाहर आएगी। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, कहने को शब्द है, लेकिन ये बैलेंस की ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी साथ में हो, ऐसी शिक्षा जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर सके, ग्लोबल सिटीजन बना सके, ये कहने के लिए शब्द है, पर करने के लिए ये पूरी जीवन प्रक्रिया है। ठीक, ही फेल्ट दैट द करिकुलम शुड रिवॉल्व ऑर्गेनिकली अराउंड नेचर। बहुत ज्यादा उन्होंने नेचर को प्रधानता दी है, प्राथमिकता दी है अपनी बातों में, अपनी शिक्षा में। वो कह रहे हैं कि हमको प्रकृति को नहीं छोड़ना है, सारा करिकुलम, सारा पाठ्यक्रम प्रकृति के इर्द गिर्द होगा, विद फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स टू अलाउ फॉर शिफ्ट्स इन वेदर। मौसम में जैसे जैसे मौसम गर्मी जाड़ा बरसात है, उस हिसाब से आपको शेड्यूल में शिफ्टिंग करनी चाहिए, मौसम को ध्यान रखें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, मौसम को। एंड विद स्पेशल, मौसम मतलब प्रकृति, एंड विद स्पेशल अटेंशन टू नेचुरल फेनोमेना एंड सीजनल फेस्टिविटीज। और जो भी मौसमी त्योहार आ रहे हैं, नेचुरल फिनामिना है, उन सब पर हमको बहुत ध्यान देना है। या तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि टैगोर जी के शैक्षिक दर्शन में प्रकृतिवाद पर प्रधानता दी है, प्रकृतिवाद को प्रधानता दी गई है कि प्रकृति के हिसाब से चलना है, प्रकृति के संग छेड़छाड़ नहीं करनी, प्रकृति का नुकसान नहीं करना है। ठीक, अच्छा, अब ये कुछ उद्देश्य हैं, और भी कई आपको मिल जाएंगे और जगहों पे, तो आप वहां से लेकर अपने इस नोट्स को एनरिच कर सकते हैं, नो डाउट। मैं बस आपका बेस तैयार कर रही हूँ, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि शैक्षिक दर्शन उनका क्या है। बाकी आप अपना एनरिचमेंट के लिए हमेशा स्वतंत्र है, मैंने कभी आपको मना नहीं किया कि मैं जितना बता दे रही हूँ उससे आप एक भी लाइन आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ये सिर्फ बेस आपका तैयार करने के लिए, आप एक्सप्लोर करिए, ढूंढिए, एनरिच करिए, और आपको करना ही चाहिए।
तो इसमें कुछ उद्देश्यों की बात की गई है। पहला उद्देश्य क्या कह रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, आत्म का वास्तविक, हमें ये पता चल जाए स्व स्व हमारा क्या है। ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल इज द एसेंस ऑफ ह्यूमेनिज्म। तो पहले नेचुरलिज्म हमको समझ में आया कि प्रकृतिवाद है उनकी शैक्षिक दर्शन में, अब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं मानवतावाद भी है, यानी कि बहुत सारे वादों का समन्वय भी है उनकी दर्शन में। स्पिरिचुअल इज द एसेंस ऑफ ह्यूमेनिज्म, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म है, वो मानव का एसेंस है, सार है। और मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल। और किसी भी व्यक्ति का, छात्र का, इंसान का जो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसका प्रकटीकरण, उसका मैनिफेस्टेशन बाहर का भी हो सकता है जब उसको सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाए कि एक्चुअली वो क्या है, कौन है, और उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक विकास हो। तो सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा का है कि वो सेल्फ का रियलाइजेशन कराने में हमको सफल हो। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, यानी वो शिक्षा बेकार है अगर हमारा बौद्धिक विकास नहीं कर पाती है। तो बौद्धिक विकास में क्या क्या करना है, इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, जिसको हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं, कुछ भी हमको सोचना, कल्पना करनी ही नहीं, कल्पना करे बिना सब लिखन पढ़न से काम चल रहा है, सिर्फ जितना लिख दिया गया है उसको देख लेना है, रट लेना और एग्जामिनेशन में दे देना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो नहीं, ये गलत है, हमको करना है इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, क्रिएटिव फ्री थिंकिंग, क्रिएटिविटी सभी लोग जानते हैं ना, सृजनात्मकता, कि हम कुछ सृजन कर सके, कुछ ऐसे विचार जो सृजनात्मक हो। तो क्रिएटिव फ्री थिंकिंग, कॉन्स्टेंट क्यूरियोसिटी, यानी कि लगातार हम बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी बनी रहे कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये प्रूफ क्यों नहीं हुआ, ये प्रूफ क्यों हो गया। तो ये क्यूरियस क्यूरियस माइंड हमको डेवलप करना है बच्चे में। अलर्टनेस ऑफ द माइंड, यानी कि मन मस्तिष्क हमारा अलर्ट रहे। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड टू एडॉप्ट हिज ओन वे ऑफ लर्निंग, इसके अलावा छात्र को स्वतंत्रता भी प्रदान करनी है कि वो अपने स्तर का अधिगम एडॉप्ट कर सके, अधिगम कला, अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल, कभी आप पढ़ेंगे बाद में कि हर व्यक्ति की एक लर्निंग स्टाइल होती है और उसी हिसाब से वो बेस्ट सीखता है। तो हमको इतनी फ्रीडम छात्र को देनी होगी कि वो एडॉप्ट कर सके अपना ओन लर्निंग स्टाइल जो यूनिक हो उसका, विच वुड लीड टू ऑलराउंड डेवलपमेंट। जब तक ये नहीं होगा तब तक उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो शिक्षा को ये सब करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और क्या करना है, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिक से अगर आप कमजोर है तो आप कितने भी इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो साउंड एंड हेल्दी फिजिक हमको बच्चे में डेवलप करनी है, कैसे, थ्रू योग, है ना, गेम्स, खेलकूद, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हम खेल कूद है उनको हमको शिक्षा का एक एकदम मजबूत, एक एकदम मजबूत कड़ी बना के रखना है, इंटीग्रल पार्ट, कि उसके बिना शिक्षा अधूरी रहे, है ना, तभी बच्चे का शारीरिक विकास, छात्र का शारीरिक विकास हो पाएगा और वो एक कंप्लीट ओवरऑल पर्सनैलिटी की तरफ अग्रसर होगा। इसके अलावा लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए प्रेम, आजकल तो आप देखिए हैं सब जगह एकदम मानव को, मानव से कोई प्रेम नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा दुश्मनी है। तो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सार्वत्रिक भाईचारा, इसको प्रमोट कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। एजुकेशन शुड टीच पीपल टू रियलाइज वननेस, कि हम सब एक हैं। कहने के लिए हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं ना, हम सब एक हैं, बाकी हम सब अलग अलग हैं। क्यों, जैसे ही अपना स्वार्थ और ये सारी बातें आती हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तो बात छोड़िए, जो खून का रिश्ता जिनमें है उनमें तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है आजकल ना, न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए क्या निकला रहता है न्यूज़पेपर में। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसे एजुकेशन ऐसी नहीं है तो उस एजुकेशन का कोई अर्थ नहीं है। फिर फ्रीडम, यानी कि हमको बांध के नहीं रखना है बल्कि छात्र को छोड़ना है, खुला छोड़ना है, किस सीमा तक, एजुकेशन इज ए मैन मेकिंग प्रोसेस। स्वामी विवेकानंद जी आप पढ़ेंगे तब आप उनको भी पाएंगे, वो भी कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग, यानी मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। इट एक्सप्लोर्स द इननेट पावर दैट एग्जिस्ट विद इन मैन, यानी कि मनुष्य के अंदर जो इननेट पावर है, यानी कि जो आंतरिक शक्ति है, जो अंतर्निहित शक्ति है, जिसके संग वो इस दुनिया में आया है, उसका एक्सप्लोरेशन करने की शक्ति होनी चाहिए शिक्षा में, एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम बहुत कुछ शक्ति लेके आए थे लेकिन एजुकेशन ने कोई एक्सप्लोरेशन नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पास क्या क्या गुण थे और हम ऐसे ही दुनिया से विदा भी हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट एन इम्पोजिशन बट अ लिबरल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स अटमोस्ट फ्रीडम फॉर डेवलपमेंट, यानी कि ये ऊपर से कोई अधिरोपित नहीं होना चाहिए बल्कि एक मुक्तिकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि आपको अटमोस्ट फ्रीडम, वो सारी उतनी स्वतंत्रता मिल सके जितनी आपके विकास के लिए आवश्यक है। फिर कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सह संबंध है होना चाहिए, किसमें किसमें,
मैन एंड नेचर. कह रहे हैं ए पीसफुल वर्ल्ड इज ओनली पॉसिबल व्हेन को रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर विल बी एस्टैब्लिश्ड. आप जानते हैं कि मनुष्य और प्रकृति में जब तक सहसंबंध है तब तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन आजकल तो कोई सहसंबंध है नहीं. हमने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रखा है, उसका जितना क्षरण कर सकते थे उतना क्षरण कर रखा है. इसीलिए प्रकृति हमको रह रहकर गिफ्ट देती रहती है ना, बीच में कभी भूकंप, कहीं प्रलय, कहीं सॉरी कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं कुछ होता रहता है ना, कुछ कुछ गड़बड़, कहीं भूस्खलन, कहीं सुनामी. ये सब इसीलिए है कि हमने प्रकृति के संग बहुत 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 ज्यादा छेड़छाड़ कर रखी है. एकदम हम उस स्टेज पे पहुंच रखे हैं कि प्रकृति का एकदम नष्ट होने के चरण पर है. तो अभी भी सुधर सकता है अगर हम वापस ले लें अपने स्टेप्स, वो जो हमने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए हैं. ठीक है, फिर मदर टंग. तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो ये सेंसिटिविटी डेवलप करे कि हमको कोरिलेशन में रहना है नेचर के साथ, है. और क्या है, मदर टंग इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. मातृभाषा जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेशन का, आपको पढ़ाने लिखाने का साधन होनी चाहिए. जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी कह दिया गया है कक्षा 5 तक, क्लास 5th तक आपको मीडियम जो है वो मदर टंग ही रखना है. लैंग्वेज क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज द ट्रू व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन. क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब बालक है, छात्र है, उसके घर में, पास पड़ोस में, परिवेश में, वातावरण में जिस भाषा में उससे बात की जा रही है वही भाषा उसकी मदर टंग होती है, और उसी में उसके एक्सप्रेशंस उसको आते हैं, उसी में वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है. और वो शिक्षा किसी काम की नहीं अगर हम आपको अभिव्यक्ति के काबिल ही न बना सकें. इसलिए आप बेसिकली मदर टंग में दीजिए, वो एक्सप्रेशन सीख जाए, फिर आप उसको कोई भी भाषा सिखा सकते हैं. बचपन में ही, नर्सरी के जी, प्रेप में ही आप उसको किसी दूसरी भाषा के लिए इम्पोजिशन उसके ऊपर मत करिए. फिर है मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नैतिक और आध्यात्मिक विकास. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बुकिश नॉलेज. वो कह रहे हैं कौन, टैगोर जी कहते हैं कि बुकिश नॉलेज या किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, इससे बहुत अधिक कुछ हमको नैतिक और आध्यात्मिक विकास की जरूरत है. और आप जान रहे हैं आजकल जो भी कुछ समाज में चल रहा है वो सब सिर्फ बुकिश नॉलेज, और कईयों को वो भी नहीं. तो बुकिश नॉलेज हो गया लेकिन आध्यात्म से, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं. इसीलिए मार काट और इतना सब बुरा इस वक्त समाज में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसीलिए कि हमें किसी में आध्यात्मिक और नैतिक विकास नहीं हुआ है, और हम इसीलिए नैतिकता और अनैतिकता के बीच का फर्क नहीं समझते. तो क्या करना चाहिए शिक्षा को, फॉर एन इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय इंकरेजिंग सेल्फलेस एक्ट्स, यानी कि उन कार्यों को प्रोत्साहित होना चाहिए जिनमें स्वार्थ नहीं आ रहा है आपका, निस्वार्थ काम, कोऑपरेशन, सहयोग, शेयरिंग, अपनी चीजें शेयर करना एंड फेलो फीलिंग अमंग स्टूडेंट्स. ये सब कुछ हमको अपने छात्रों में, अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करना होगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब और भी बहुत सारे एम्स आपको मिल जाएंगे लेकिन इतना मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, सोशल डेवलपमेंट. इसका आप बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं और आप इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास. क्यों सामाजिक विकास? क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं का मतलब हम सब में ब्रह्म है, जो कि टैगोर जी कह रहे हैं. ब्रह्म द सुप्रीम सोल मैनिफेस्ट थ्रू मैन एंड ऑल क्रिएचर्स. जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं उन सब में ब्रह्म का हिस्सा है. इसलिए चूंकि ब्रह्म ही सब में है तो हम सब एक ही समझ लीजिए पिता की संतान है या इस तरीके का. तो ब्रदरहुड शुड बी कल्टिवेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ. तो बचपन से ही, शुरुआत से ही हमको भाईचारे की भावना सिखानी चाहिए कि सब एक हैं, एक ही ईश्वर की संतान है. ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी. तो अगर उनका शैक्षिक दर्शन पूछते हैं तो, या उनके शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा के पूछा जाता है तो आपको इसी को इनरिच करके लिखना है. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की. आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू फॉर हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. ओके, डन.